जनपद सीतापुर के थाना महबूबाबाद इलाके के रामाभरी मजरे दूबसेना गांव में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गांव के बाहर खलिहान की भूमि पर लगे एक विद्युत पोल में एक पर्ची चस्पा किए जाने से दोनों पीड़ितों समेत पूरे गांव में डर का माहौल बन गया है। बिजली के खंभे में चस्पा की गई पर्ची में लिखा गया है कि गगन चौहान, सनी देवल और परशुराम है। इन दोनों ग्रामीणों ने से 3 लाख रुपए 3 दिन में कासा मोड़ चौराहे पर दिए जाने की मांग की गई है और 3 दिन में जो 3 लाख रुपए नहीं मिला तो जान से मार देने की धमकी दी गई है। ये सुनकर दोनों पीड़ितों के परिजनों समेत गांव के अन्य लोगों में भी डर का माहौल है। इस पूरे मामले की सूचना पीड़ित सनी देवल द्वारा डायल 112 पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। कहाँ के निवासी हैं? रामाभरी। क्या मामला है? मामला है कि सुबह पछलाहरा की है लिस्ट जो चपकी है। कौन सी लिस्ट? खंभे पे चपकी थी गगन चौहान वाली। क्या उसमें लिखा था? उसमें लिखा था परशुराम चमार, सनी देवल चमार और 3 लाख रुपया और मारने की धमकी दिए 3 दिन बाद। किसके द्वारा धमकी दी गई? गगन चौहान के द्वारा। ये गगन चौहान कौन है? ये गगन चौहान एक मटमैला गैंग के हैं। क्या दिखाया गया कि 3 लाख रुपए? 3 लाख रुपए और नहीं तो 3 दिन के बाद मौत। मौत जी। कहने का मतलब ये 3 लाख रुपए की मांग की गई है और अगर जो नहीं दोगे तो मौत, जान से मार देंगे। जान से। क्या इसकी सूचना किसी को दी गई? क्या दी गई? किसको दी गई? पुलिस को। पुलिस आई? जी आई। क्या हुआ? वो आए थे और लिख ले गए, पर्ची छुड़ा ले गए। कौन पर्ची? वो जो खंभे पे चपकी थी। खंभे में पर्ची चपकी थी जी, उसे छुड़ा ले गए जी। क्या चाहते हैं? जान माल की सुरक्षा की जाए। क्या करते हो? खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। और दूसरे जो तुम्हारे हैं? वो भी खेती मजदूरी करते हैं। कोई बिजनेस करते हो क्या? नहीं, बिजनेस कोई नहीं करते। मजदूरी ही करते हो? मजदूरी ही करते। कहाँ के निवासी हैं?